सुबह हंसना भी जरूरी है, और नेचुरल हंसी, वो वाला तो आर्टिफिशियल वाला हंसी था, ठीक है अभी नेचुरल हंसी हंसते हैं। एक बार ना एक सर्कस में सर्कस चल नहीं रहा था। आजकल देख ही रहे सर्कस का बहुत बुरा हाल है, इतने सारे एंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं कि सर्कस वर्कस बेचारा अब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। हालांकि छोटी जगहों पर अभी भी चलता है, बट बहुत दिक्कत आ रही है उन लोगों को, जितना खर्चा है वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो एक सर्कस एकदम बंदी के कगार पे चला गया था, तो उसने सोचा कि कुछ नया कर्तव्य लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये सब देख देख के लोग पक चुके हैं, हंसी छोड़ो बाघ शेर ये वो सब देख के पक चुके हैं, कुछ नया आइटम डालेंगे तो शायद चल जाएगा। तो उसने सर्च करना शुरू किया मार्केट में, तो अपने लोकल मार्केट में घूम रहा था, तो एक होटल में एक आदमी राक्षस की तरह खा रहा था। अब राक्षस की तरह क्या, करीब 50 किलो चावल का चावल खा रहा था, ऐसे करके लगाया हुआ, ठीक है, 3-4 बाल्टी दाल लेके बैठा हुआ था, करीब 50 किलो की सब्जियां लेके बैठा था, सलाद भी टोकरी में रखा हुआ था एकदम, उसके बगल में मिठाई बाल्टी बाल्टी में, दही बाल्टी बाल्टी में, ऐसे करके वो खा रहा था। उसको लगा यार ये तो आदमी नहीं है, ये तो हैवान है, ये कर्तव्य चल जाएगा। तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे सर्कस में काम करोगे, मेरा सर्कस चल नहीं पा रहा है। सुनिएगा पीपी सिंह, ये आप ही के ऊपर है। जी 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 सुन रहा हूँ सर। आपने जो पनिशमेंट दे रहे हैं ना सुबह सुबह, और पूछते हैं कैसा लगा, बहुत खराब लगता है यार एक्सरसाइज करने हम बदलेंगे सर, पक्का बदलेंगे, सबको में। बदलेंगे। तो वही बात हो जाती है कभी कभी ना, हमारे यहाँ जब बाढ़ आ जाती है गांव में, तो भगवान ना कभी कभी बिजली भी कड़काते हैं, तो लोगों को लगता है कि भगवान टॉर्च जला के देख रहे हैं कि डूबा कि नहीं ठीक से, और ठीक है। तो उसको रिक्वेस्ट किया कि यार तुम मेरे सर्कस में काम करो, तुमको हम हर शो का 10,000 रुपए देंगे, हमारा 3 शो चलता है, तो 30,000 रुपए डेली का देंगे तुमको, क्योंकि तुम आओगे तो मेरा सर्कस हिट हो जाएगा। तो उसने बोला करना क्या पड़ेगा, तो बोला यही जो तुम कर रहे हो। तो बोला ये तो काम बड़ा आसान है, पैसा भी दोगे खाने का, तब तो बड़ा आसान है, ये काम हम करेंगे भाई, खाने में फ्री में मिल जाएगा, वैसे आदमी को तो क्या मतलब है, 3 टाइम वो भी। तो राजी हो गया, राजी हो गया, पहला शो हुआ तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही शो टूटी तो माउथ पब्लिसिटी से लोग चर्चा करने लगे कि वाह बहुत अच्छा आइटम आया सर्कस में। तो दूसरा शो हाउसफुल हो गया, तीसरे शो में भी हाउसफुल ओवरटेकिंग हो गया, सेकेंड डे फर्स्ट शो हुआ उसमें भी हाउसफुल, सेकेंड शो हुआ उसमें भी हाउसफुल, थर्ड शो में वो साला बंदा बाग गायब हो गया, जो खाना खा रहा था वो गायब हो गया। तो सर्कस मालिक को लगा ये तो मेरी लुटिया डूब जाएगी, लोग इसी को देखने आ रहे हैं, वही गायब हो गया है। तो उसको ढूंढना शुरू किया, हर जगह ढूंढा जहां जहां हो सकता था, 50 आदमी निकल गए उसको ढूंढने के लिए, कहीं नहीं मिला। लास्ट में वो मिला कहां पे, किचन में, सर्कस का जो किचन था ना वहां पे खाना खा रहा था। तो उसको पकड़ा, उसको बोला यार तू खाना तो तुमको दे ही रहे थे, यहां पे तुम आ गए किचन में खाना खाने। बोला दिन भर काम ही कराएंगे, खाना कब खाएंगे हम। तो भी आपने हमको खाना नहीं खाने दिया, आज भी आप 200 में ऐसे ही हमको रख दिए, वो तो काम कर रहे थे हम, खाना कहाँ खाएं। तो पीपी सिंह जी आप लोग को ना एकदम लग रहा कि कमर उमर सब पतला करवा देंगे, पैंट वैंट फिर से खरीदना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करता हूँ सबको, थोड़ा बातचीत हो जाए।
आप में से आज कौन अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा? कोई एक स्टोरी मेरे को रोज चाहिए, शुरू शुरू का। आपने क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, आप क्या करते थे, अभी आप कहाँ पहुंचे हैं, क्या स्ट्रगल रहा, क्या चैलेंजेस रहे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा अभी तक, मतलब अपनी जर्नी शेयर करना है जुड़ने से पहले से लेके अभी तक का। हाँ जितेंद्र सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मैं प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैंने ये डेमोंस्ट्रेशन देखा था, प्रकाश जी और संतोष जी आए हुए थे पूर्णिया में, उनका डेमोंस्ट्रेशन देखा। डेमोंस्ट्रेशन देखने के बाद मुझे फील हुआ कि वाकई चीज में तो दम है, प्रोडक्ट काफी अच्छी है। लेकिन लेना चाह रहा था उस समय, मैं घर आके डिस्कशन किया फादर से, तो फादर पूछे इसका कॉस्ट क्या है। मैंने बोला कि इसका कॉस्ट लगभग 3 लाख के आसपास है। फादर पूछते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, 3 लाख का कहीं पानी का मशीन होता है? तो क्योंकि उन्होंने तो डेमोंस्ट्रेशन देखे नहीं थे। इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो हमको प्रोडक्ट बहुत लाजवाब दिखा, यहाँ से भी फीडबैक हमको अच्छा मिला। हमने डिसाइड कर लिया था कि प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद फादर का फिर से परमिशन लिए, फिर से कहे कि हमको लेना चाह रहे हैं, बोले ठीक है लेके देखो। 1.5 महीने के बाद, डेमोंस्ट्रेशन देखने के 1.5 महीने बाद मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया। तो परचेज करने के बाद 2-3 महीना किसी को बताया नहीं कि भाई पहले खुद हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए। 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट दिया, घर में बेटर फीलिंग आई सब लोगों के साथ। तो वाइफ बोली कि प्रोडक्ट तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन किसी पेशेंट पे ट्राई कीजिए, तब इसका असली पता चलेगा कि प्रोडक्ट है कैसा है। तो हम मोहल्ले के ही एक डायलिसिस पेशेंट थे, उनको हमने पानी शेयर करना शुरू किया। 15 दिन के बाद उसमें ड्रास्टिक रिजल्ट दिखा। वो बोले कि हम 15 लाख रुपया खर्च किए थे वेल्लोर में, लेकिन इतना बेटर फीलिंग नहीं आई थी जितना कि 15 दिन आपका पानी पीने के बाद। मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए इसको, 2 महीने 2.5 महीना जब तक इच्छा करे आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और सर उनमें जो रिजल्ट हमने पर्सनली वाच किया, उनका जो फीलिंग है देखे, वो जो आदमी बिस्तर से बिना सहारे के उठ नहीं पा रहे थे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उन्होंने अपना मॉर्निंग वॉक तक स्टार्ट कर दिया था 1-1.5 महीने के बाद। ये देख के हमको काफी अच्छा लगा कि 3 लाख रुपया इन लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका कि हर अल्टरनेट डे पे डायलिसिस हो रहा है, और इनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, उनके लिए तो बहुत सस्ता चीज है ये। तब और से और भी कुछ कुछ पेशेंट को हमने पानी देना शेयर किया, तो हमको सब जगह से अच्छी रिजल्ट आई। हमने कहा कि नहीं, इसको एज ए ब्लेसिंग, एज ए साइड वर्क जरूर करना चाहिए। पैसा तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन भला लोगों का हो, और अपने लाइफ में यदि 100-200 आदमी को भी इस तरह का यदि हम लोग लाभ पहुंचा दें तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। उसके बाद से हमने धीरे धीरे इनको प्रमोट करना शुरू किया। सबसे पहले घर में ही 2-3 प्रोडक्ट लिए, भाई को दिए, भाई बनारस में रहते हैं उनको लगाया, सिस्टर को लगाया, और अपने दोस्त वगैरह को लगाए। दोस्त सब में भी काफी रिजल्ट आया, जहाँ भी लगाए वो सब लोग सेटिस्फाइड हैं। और अब इच्छा हो रही है कि इसको फुल टाइम करने की इच्छा हो रही है, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम दे पावे। बहुत लोग जो पैसे वाले हैं वो थोड़ा कम समझ रहे हैं, जो जनरल मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा समझ रहे हैं। तो हम लोग अब मूड बना रहे हैं कि इसको फुल टाइम करें, बहुत अच्छा चीज है, रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं और इनकम भी देख रहे हैं। और क्लास का प्रोडक्ट है ये, आम चीज नहीं है। पहले धारणा थी कि ये आरओ से लोग कंपेयर करते थे, ये आरओ फिल्टर तो है नहीं, ये हाई प्रोफाइल चीज है। तो इसको हमको बताने में भी कहीं पे किसी से कोई शर्म नहीं होती है। हम जहाँ वर्किंग में हैं वहाँ पे भी अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने ये प्रोडक्ट दे रखा है। और जहाँ भी हम लोग हाई प्रोफाइल में
भेंट होती है, मुलाकात होती है पार्टी फंक्शन में, तो हम सब जगह चर्चा करने से बाज नहीं आते हैं। हमारी बच्ची पहले बोलती है, पापा आप शुरू मत हो जाइएगा कंगन वाटर पे, कहीं भी चर्चा होती है इस तरह का। तो लेकिन हम लोग जो है अच्छी चीज है, इसको प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं, जो एक दो महीने में हम लोग मूल रूप में आ जाएंगे। इसके आप लोग का सर सहयोग है, दीपक सर बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, पीपी सिंह से भी एक बार हम लोग ने मदद लिया था जब आगरा में कुछ पेमेंट का मोड था एक SDM साहब के यहाँ, तो दीपक सर ही हेल्प किए थे हमको, वो लोग भी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जॉब करते हुए में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, फुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको फुल फ्लेज इसको अच्छे से काम करेंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, लोग बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर भी आप बने, सफल आदमी रहे, जॉब भी आपको मिल जाता है, कर भी रहे हैं, ठीक है ना, और घर से भी सॉलिड है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, तो आपको क्या ऐसा वहां पे समझ में आ रहा था इंजीनियरिंग में जिसकी वजह से आपको अभी भी लग रहा है कि जॉब छोड़ के इसको करें? एक्चुअली एक सोशल रिकॉग्निशन के कारण सर, पिताजी कहते हैं कि एक प्रतिष्ठा का बात है कि अच्छा लगता है, लोग बहुत सारा काम के लिए तुमको खोजते हैं, आते हैं, तुम लोग को मदद करते हो, तो हमको अच्छा लगता है। हम बोले वो तो थोड़ा बहुत के लिए वो साधारण मदद है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मदद है कि लोगों को हेल्थ देना, इससे बड़ा नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एज ए इंजीनियर, एज ए एम्प्लॉय, आपको कैंगन में क्या बेहतर लग रहा है, कि आप कैंगन में ज्यादा आना चाह रहे हैं या घुसना चाह रहे हैं? कैंगन में सर एक तो वहां पे क्या तकलीफ है वो भी बताइए। वहां पे सर वर्क प्रेशर अच्छा बना कर रहता है, हमेशा वर्क प्रेशर रहता है, ये काम करना ही करना है और अपने सबॉर्डिनेट्स को भी कंट्रोल करना है, उनसे भी आउटपुट लेना है, ऊपर भी हम लोग को रिजल्ट शो करना है, तो यहाँ भी कोई प्रेशर कम नहीं है। और यदि देखा जाए कंपेयर टू ये अपना बिजनेस, तो इसमें प्रेशर कम है हम लोग को, यदि महीने में भी हम लोग अब थोड़े लाइन खोलने जा रहे हैं, महीने में यदि 4-5 भी सेल करेंगे तो अर्निंग भी हमारा उससे बेटर होगा यहाँ पे, और उस तरह का प्रेशर नहीं है। वहाँ पे प्रेशर तो है लेकिन वहाँ पे दूसरे तरह का प्रेशर है, वहाँ पे सारे लोगों को सेटिस्फाइड कीजिए, अधिकारी को भी नहीं चाहते हुए भी आप जो है अधिक पर जी सर हाँ सर आप मिलाइए। और हम लोग का नेचर है कि हम लोग यदि अपने यदि अधिकारी गलत हैं तो उनको भी हम गलत ही कहें और कहते भी हैं सर, तो सर आपसे ये गलती हुई है। हम लोग को सही बात थोड़ा बोलने का आदत है कि हम लोग किसी पे पीछे नहीं बोलते हैं, सामने बोल देते हैं, ये एक ड्रॉबैक है उस फील्ड में, कि यहाँ पे उस तरह का चैलेंज नहीं है, मतलब यहाँ फ्रीडम फील करते हैं जी, यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है, वहाँ पे फ्रीडम का अभाव है और वहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ भी उतना नहीं है जितना कि इसमें हम लोग फील कर रहे हैं। कर सकते हैं, सही बात। तो अभी तक कितना पैसा आ गया पार्ट टाइम में आपको कहेंगे से? पार्ट टाइम में लगभग 2.5 लाख रुपया के आसपास सर है, वाइफ को भी हम 3A बना चुके हैं। और तब तो ज्यादा कमाए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, आपकी ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, थैंक यू। तो दोस्तों और कोई और शेयर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो मैं कुछ आगे बढ़ू। और किसी की कोई इच्छा कुछ कहने की, कुछ अपनी स्टोरी शेयर करने की? वैसे एक स्टोरी हम लोग रोज लेंगे, अपनी तरफ से आके आप जरूर बताएं, ठीक है। तो मैं आज जो मैंने सब्जेक्ट चुना है वो बड़ा बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बेसिक पे ही बात कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि मुझे पता है जो हमारे 6A हो गए हैं, 6A2 हो गए हैं, वो शायद 6 बजे उठना पसंद नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनका काम हो गया है तो उठ कौन रहा है भाई, जो 1A है, 2A है, 3A है, तो उसी की जर्नी शेयर करना और उसको ही सही रोड मैप बताना ज्यादा अच्छा है।
तो दोस्तों हम एक प्रोफेशन में हैं, कितने लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग एक प्रोफेशन में, कोई ये गेम नहीं है, कोई ये लॉटरी टिकट नहीं है, नहीं है ना, लॉटरी टिकट तो नहीं है कि मशीन खरीद लेंगे करोड़पति बन जाएंगे। तो हर प्रोफेशन की तरह हमें भी इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा और इस फील्ड का हमको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा टीवी में कुछ शोज आते हैं, उसमें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला के इंटरव्यू किया जाता है, देखा होगा आपने। तो वो एक्सपर्ट बनते कैसे हैं, वो लोग इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। वो लोग एक्सपर्ट बनते हैं एज ए प्रोफेशन अगर हम अडॉप्ट करें तो ही हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे, ये बात बहुत जरूरी है समझना। लेकिन ज्यादातर लोगों को मार्केट में ऐसा महसूस होता है या कई बार गलत प्रमोट भी किया जाता है हमारे बिजनेस को कि ये क्विक रिच मनी स्कीम है, कि आप बड़े आसानी से बड़े आराम से लोग करोड़पति बन जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये फिर गलत मैसेज जाता है, गलत डुप्लीकेशन होता है और फिर टीम में आपके बहुत सारे लोग जो ईमानदार लोग हैं जिनको लगता है कि यार यहाँ तो मेहनत करना पड़ रहा है सही में, तो वो छोड़ जाते हैं क्योंकि तो आपने उनको गलत प्रॉमिस करके लाया है। प्रोफेशन कोई भी आदमी जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनता है वो कैसे बनता है कि वो उस सब्जेक्ट की सारी किताबें पढ़ता है, उस सब्जेक्ट पे वो अपना समय देता है, उस सब्जेक्ट पे वो लोगों के फीडबैक्स कमेंट्स काम करके बहुत सारे इनपुट्स लेता है मार्केट से, प्लस और माइनस दोनों को अपनी डायरी में नोट करता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं। क्योंकि तो दोस्तों इस दुनिया में ना कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान में दीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग भी परफेक्ट नहीं, बट कहा जाता है इट इज बेटर। जो बाकी प्रोफेशन है, बाकी जॉब्स हैं, बाकी बिजनेसेस हैं, या आप कोई इन्वेस्टर बन सकते हैं, उन सबसे आसान सबसे बेटर है, बट इट इज नॉट परफेक्ट। तो प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराना चाहता हूं। क्रिकेट का नाम आते किसका नाम याद आता है, जो लोग कोस्ट कोस्ट है बताइएगा, सचिन। किसी को धोनी आता होगा, किसी को विराट कोहली आता होगा, ये सारे नाम जो है वो कौन है, एक्सपर्ट्स हैं सर अपनी फील्ड के। बैडमिंटन का नाम आता है तो कौन याद आता है, आती है साइना नेहवाल, वेरी गुड, पीवी सिंधु, और भी कुछ नाम आते हैं। टेनिस पे लिएंडर पेस, महेश भूपति, ठीक है ना। शतरंज का नाम आते विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अगर संगीत की बात आए तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मोहम्मद मुकेश जी, किशोर जी आज भी याद आते हैं। आप इन लोगों के जीवन में थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा कि इन लोगों ने हमेशा सुबह 4 बजे उठ के रियाज किया है, जिसको गाना गाना था उसने गले का रियाज किया, शास्त्रीय संगीत का रियाज किया, और जिसको बैट्समैन बनना था प्लेयर बनना था वो 4 बजे सुबह उठ के 6 बजे ग्राउंड पे था और लगातार उसने प्रैक्टिस किया है, कोचिंग रखी है, अपने लिए कोच रखा है कि हमें ट्रेन करेगा, ठीक है। और बैडमिंटन में भी देखिए तो लोग इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में लोगों ने घंटों घंटा प्रैक्टिस किया है। 12 पीवी सिंधु बताती है कि 18 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया है। तो कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस लगती है, 10,000 घंटे, ठीक है। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे, सॉरी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये भी एक प्रोफेशन है,
इसमें भी बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे तब तक आपको पैसा बहुत आ जाएगा, ये सोचना सही है या गलत है? गलत है ना। लेकिन ये इंडस्ट्री इसलिए बेटर मानी जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, सचिन और कोहली बहुत कम बनता है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में हर 10 में से 2 लोग विराट कोहली बन सकते हैं, क्योंकि वहां तो कैप्टन एक ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ कैप्टन कैप्टन्स की टीम बनती है हमारे, इसलिए इसको बेटर बोला जाता है। दूसरी बात कि किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उस प्रोफेशन के लिए आपको कोई कोचिंग रखनी पड़ेगी, कई बार आपको कोई ज्वाइन करना पड़ेगा कोर्स, और उसके लाखों के खर्चे होते हैं, और कई बार आपको एजुकेशन लोन भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक सुना आपने कि एजुकेशन लोन लेके हम नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे हैं? सुना है सर? नहीं सुना ना, इसीलिए ये बेटर है। तो दोस्तों बिना एक्सपर्ट बने, और हाँ मैं था कि लोग कोचिंग करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है तो कितना सारा लोन लेके पढ़ाई करता है, और आपको बता दें कि हजारों डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर्स बहुत बड़े सफल होते हैं, बाकियों का जितना पैसा लगता है ना गार्जियन का वो भी नहीं निकल पाता है। फ्लॉप डॉक्टर्स भी होते हैं, टॉप इंजीनियर्स भी होते हैं जो इंजीनियर लगा के नाम के आगे सांत्वना दे रहे हैं, नौकरी तक नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने खाली इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली। ऐसे भी लोग हैं, जितेंद्र सर है कि नहीं बताइएगा, ऐसे भी इंजीनियर्स हैं मार्केट? बिल्कुल सर। जिनको जॉब नहीं मिल रहा है सर क्योंकि उन्होंने खाली डिग्री लिया है। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर बन गए लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब बाल सफेद हो जाएंगे ना, गंजा वंजा हो जाएगा, तब जाके बड़े डॉक्टर बनते हैं। उससे पहले तो डॉक्टर के पीछे पीछे आपको असिस्टेंस में रहना पड़ता है। और मान लो अभी हम लोगों की हालत क्या है, सपोज बीपी सिंह जी को कोई बीमारी हो गई और इनको ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये गए एक डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर बड़ा एक्साइटेड है, यस बीपी सिंह जी मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। बीपी सिंह ने पूछा, लेकिन सर इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी किया है? तो नहीं 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 कभी नहीं किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं एकदम एक्साइटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ आपका ऑपरेशन करूंगा। तुम ही फंसे हो मेरे पहले। ठीक है, अब वो एक्साइटेड तो है, मोटिवेटेड तो है, लेकिन एजुकेटेड और स्किल्स नहीं है, तो क्या करेंगे बीपी सिंह जी, जैसे ही मौका मिलेगा घसक के भाग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों की भी स्थिति वही है सर, एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, लेकिन आपसे कौन जुड़ेगा सर, आप एक्सपर्ट बन ही नहीं रहे हो। इसीलिए कहा जाता है पीपल बाय यू, लोग पहले आपको खरीदते हैं देन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या है, देखो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिचुएशन है, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना जो मैं बोल रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को रखना है, सेकेंड में कंपनी को रखना है, और थर्ड में प्रोडक्ट को रखना है। इनेजिक में लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट को रख दे रहे हैं, उसके पीछे कंपनी को, और पीछे से छिप जा रहे हैं कि सर हमको मत देखो, आप प्रोडक्ट देखो ना, आप ये कंपनी देखो ना कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, लेकिन वो देखना चाह रहा आपको यार इसके साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अगर हम एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे तो सर 20 लाख 50 लाख करोड़ों का सपना मत देखिएगा। और एक्सपर्ट बनने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, रातों की नींद गंवानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े नहीं होगा सर, लर्निंग एटीट्यूड लगातार बनाए रखना पड़ता है, लगातार। ये नहीं कि सिक्से हो गए अब तो हम बापू हो गए, नहीं, कोई बापू नहीं है। आज भी मैं इस इंडस्ट्री का एक होनहार विद्यार्थी हूं, 20 साल हो गए सर, और 10 साल सेल्स का भी हो गया। तो आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा, अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं करेंगे। आज बोलेंगे कि इंग्लिश बोलना नहीं आता है, 2 साल बाद भी बोलेंगे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन उसी बीच में कोई ना कोई 6 महीने में इंग्लिश कोर्स करके अपने आप का अपना एक स्किल डेवलप कर लेगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप यही बोलते रहना चाहते हैं कि नहीं ठीक है
हमने हाँ हम एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं, या हम एक्सपर्ट बन के रियल में इस इंडस्ट्री से जो मिल सकता है वो लेना चाहते हैं। और ये इंडस्ट्री दोस्तों सिर्फ आपको पैसा नहीं देती है, नेम, फेम, मनी, फ्रीडम, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं इस प्रोसेस में, आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं इस प्रोसेस में, मतलब क्या क्या नहीं होता है, बट उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। कितने लोग एग्री हैं कि एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा? बनना पड़ेगा सर, नो ऑप्शंस, नो ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो इस इंडस्ट्री में ना तीन तरह के लोग आपको दिखेंगे। सबसे पहले जो होते हैं, और ये मैं जो कंटेंट्स बता रहा हूं ना, ये भी बता दो कि ये मेरी कोई दिमाग की उपज नहीं है, और मैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट एरिक वोरी को देना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि वो वन ऑफ द मेंटर है मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के, और उनकी किताबें मैं 500 बार पढ़ गया हूं, और फिर बार बार पढ़ता हूं, और अभी भी आपके सामने लेके बैठा हूं। ठीक है, मैं अपनी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बात सीखा था कि अगर आप कहीं से लेंगे नहीं तो आप कहीं से दे भी नहीं पाएंगे, और बहुत सारा लेंगे ना, इसलिए कान दो दिया है भगवान ने, आंख दो दिया है, तब थोड़ा सा निकलेगा। यानी कि डेटा लेंगे यहां यहां से तो वो प्रोसेस करेंगे और तब यहां से निकलेगा। अगर डेटा जाना बंद हो गया तो क्या निकलेगा? सिर्फ फालतू की बातें निकलेंगी, फिर आपको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। मेरा जानते हैं नेटवर्क, मेरा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा सफल कब होता है? जब प्रेजेंटेशन देखने के बाद किसी ने पूछ दिया कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, बस अब मुझे लगता है कि अब तो बेटा तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके सामने पूछ दे तो आपको नहीं सर वैसा वाला नहीं है, ऐसा वाला नहीं है, वो वाला नहीं है सर, ये थोड़ा दूसरे तरीके का है, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर। ठीक है, तो तीन तरह के लोग मिलते हैं, मैं चैट पे भी लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अगर स्पेलिंग या मेरी जुबान से समझ में ना आए, तो तीन तरह के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं उनको पोजर्स बोला जाता है, मैंने जो लिखा हूं सबको दिख रहा है। तो पोजर्स जो होते हैं वो कौन लोग होते हैं, थोड़ा सा आपको ये मिलते हैं बहुत आयत में, और सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। जब भी आप मार्केट में निकलोगे ना तो आपको पोजर्स सबसे ज्यादा टकराएंगे, जो दिखते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बट एक्चुअल में वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे लोगों को ना आप पूछोगे क्या करते हैं सर, तो रियल एस्टेट, 10 साल से एक जमीन नहीं बिका है, एक मकान नहीं बेच पाया है, लेकिन क्या करते हैं, तो रियल एस्टेट, छिपाने के लिए। ठीक है, कि कुछ तो करते हैं ना। कुछ लोगों को देखिएगा, बोले ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर हैं, और 20 साल से एक तो टेंडर नहीं भर पाया बेचारा, बिल भी नहीं निकला, ऐसे भी ठेकेदार आपको मिलेंगे। तो ये लोग पोजर्स होते हैं, जो असली ठेकेदार है ना उसको तो उसके यहाँ तो जाइएगा तो 10-20 गाड़ियां लगी रहेंगी, 10-20 डंपर जंपर लगा जाएगा। जो रियल में रियल एस्टेट कर रहा होगा उसका बहुत सारा ऑफिस होगा, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, पूरा बिजी आदमी मिलेगा। ठीक है, अमीर आदमी मिलेगा। 99% कॉन्ट्रेक्टर्स और रियल एस्टेट, इसमें लोग अपनी बेरोजगारी छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप से। तो वैसे ही कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे हैं, कुछ नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं, और उसमें से भी कई लोग तो बोलेंगे मैं फुल टाइम करता हूं, और फुल टाइम अपलाइन और डाउनलाइन की चुगली इधर उधर ये वो काम करते रहते हैं। मतलब वो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, फॉलोअप के अलावा सब कुछ करते हैं। बात समझ गई? पोजर्स कौन होता है, मतलब वो जो मेन काम है ना कि किसी को इनवाइट करो, डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ये काम छोड़ के सब काम करते हैं, अपलाइन की चुगली, डाउनलाइन की चुगली, क्रॉस लाइन से बातचीत, क्रॉस लाइन से उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि डाउनलाइन है नहीं और अपलाइन के तो चुगली करनी है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पोजर्स कहलाते हैं, और इनकी इनसे जब आप मिलोगे ना
तो ये बहुत बड़े चौधरी मिलेंगे आपको कि हाँ मैं तो बहुत दिनों से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, पैसा कुछ नहीं कमाया ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट रखोगे तो ये थोड़ा सा सोचेंगे और बोलेंगे हाँ मशीन बहुत अच्छा है आपका, और मैं ऐसे 5-6 लोगों को जानता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, अगर वो लोग मेरे नीचे आ गए तो काम हो जाएगा। मतलब देखो अभी खुद एक्सपर्ट नहीं है लेकिन एक्सपर्ट को ले आने की बात वो सोच रहा है, और एक्सपर्ट उससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करेगा क्योंकि तुम फेलियर हो। तो वो लिस्ट बनाएगा, एक दो रिश्तेदारों की भी लिस्ट बनाएगा और 5-6-10 लिस्ट बना के आपको दिखाएगा कि देखिए ये लोग हैं, मैं तो अभी मशीन नहीं लूंगा लेकिन इन 5-6 लोगों को आप दिखाइए, अगर इन लोगों ने ले लिया तो मैं भी ले लूंगा। यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाह रहा है, वो लक आजमाना चाह रहा है ठीक है। तो क्या करेगा, 5-6 नाम बनाएगा, अगर आपके पास भी काम नहीं है, मान लो आप भी वेल्ले हो, आपका भी सेल वेल नहीं निकल रहा, तो चलो सर मिलाओ, तो आप भी उसके पीछे पीछे घूमोगे, डेमो करोगे, और चूंकि वो एक्सपर्ट है नहीं और जा रहा है अपने से ज्यादा धुरंधर के पास, एक भी सेल आएगा नहीं, वो खुद डेमो करेगा नहीं, जो जो चीजें चाहिए डेमो किट खरीदना, ये करना वो करना, पढ़ाई लिखाई करना, थोड़ी जानकारी लेना, कुछ करेगा नहीं, तो वो 5-6 के 6 लोगों के नजर में इसकी पिक्चर क्या है कि ये फेलियर आदमी है, और वो नहीं जुड़ेंगे और बाद में ये सोचेगा कि चलो जान बच गया, अगर हम पहले मशीन ले लेते तब तो बेटा फंस जाते, ये कोई लेता वेता नहीं है, हम चेक कर लिए, हम होशियार आदमी है। और फिर अगला कोई मान लो अब अगला कैंगन वाला चला गया, कैंगन के बारे में सर जानते हैं, हाँ सब कुछ जानते, सब कुछ, एमवे के बारे में हाँ जी हाँ जी, जानता कुछ नहीं है ठीक है, फैक्ट है उसको पता कुछ नहीं है लेकिन वो हाँ सब जानते हैं। तो ऐसे जानने वाले जानकार एनर्जी के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में घूम रहे हैं जिनको एनर्जी के बारे में सब पता है। तो जैसे ही इस तरह का रिस्पांस आए कि मैं 5-6 लोगों को मिलूंगा बाद में मसले, समझो पोजर है। और क्या होता है कि इनका अपना एक दो फेलियर का पास्ट होता है, जो पोजर्स होते हैं ना वो कहीं पे जुड़े थे किसी कंपनी में, क्योंकि पोजर मेंटेलिटी है तो वहां भी फेल हुए थे, तो उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं लेकिन काम वाम करता नहीं, यही लोग बोलते हैं पोजर्स लोग कि जो शुरू में जुड़ जाते हैं ना वही पैसा कमाते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे। या तो इनका खुद का एक्सपीरियंस होता है और या तो इनके आस पड़ोस में कोई जुड़ा और पैसे नहीं कमा पाया, उस एक्सपीरियंस को लेके ये घूमते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता, क्योंकि इनको बताया ही नहीं गया कि यहाँ पे भी प्रोफेशनल बनना पड़ता है, यहाँ पे भी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है, और सर 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी हो ना और आप रोज 4 घंटे काम करेंगे तो 7 साल लगता है, 7 ईयर्स। आज आप बैडमिंटन खेलना शुरू करो, रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करोगे डेली, एक भी गैप नहीं, तो 7 साल लगेगा, और अगर 2 घंटे करोगे तो 14 साल लगेगा एक्सपर्ट बनने। और ये मेरी बात नहीं है सर, बहुत बड़े साइंस ये रिसर्चर का ये कहना है कि किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बनने में आपको 10,000 आवर्स लगते हैं। तो वो तो एक्सपर्ट उनको बनना नहीं था, वो तो पोजर मेंटलिटी से आए थे और उनको लग रहा था कि भाई मुझे तो कुछ लॉटरी टिकट लग जाए, कुछ बड़ा लीडर मेरे साथ आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब वो सीधा निकालेंगे नाम, सोनू शर्मा को चलते हैं जोड़ने, वो हमारे फूफा का बेटा है। अरे फूफा का बेटा है लेकिन इस फील्ड का वो मास्टर है, तेरे से क्यों जुड़ेगा ठीक है, सुरेंद्र वत्स को जोड़ने चल देगा वो, क्योंकि वो मेरे दूर के दूर के दूर का रिश्तेदार है। भाई जानते तो हम लोग मोदी को भी है लेकिन मोदी हमको जानता है ठीक से कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ये पोजर्स की मेंटेलिटी होती है कि ये गेम है और इस गेम में किसी किसी का तुक्का लग जाता है, वो ऐसा ही सोचते हैं। और उनको ये भी लगता है कि कई लोगों का ना प्लेसमेंट राइट हो जाता है, बड़ी लकी साबित हो जाते हैं, थोड़ा सा लक काम कर भी सकता है लेकिन लक से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते ठीक है।
तो ये पोजर लोगों की कुछ खासियतें मैंने बताई, तो ये आपको बहुत आयत में टकराने वाले हैं मार्केट। तो ऐसे लोगों को ना सीधा किसी ना किसी बापू से मिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत वो मतलब सीख चुका है और बहुत खतरनाक आइटम हो जाता है पोजर, ठीक है। दूसरे जो लोग होते हैं पोजर्स की स्पेलिंग होती है POSERS, पोजर्स मतलब जो पोज करते हैं कि मैं कर रहा हूं बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग, पोजर्स। सेकंड जो लोग होते हैं, बेटा फोन लेना, सेकंड जो लोग होते हैं पोजर्स में 1S होगा, डबल S नहीं होगा सौम्य, ठीक है। पोजर्स में, और देखो ये किताब भी मेरे को रश्मि ने दिया था यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो इसका मतलब, ये किताब ये रश्मि ने ही मेरे को बुक दिया था PDF फॉर्मेट, उसका फोटो कॉपी कराया हुआ है मैंने। दूसरी जो दूसरा जो अच्छा ये भी पोजर्स की निशानी होती है, पढ़ेंगे नहीं फॉरवर्ड कर देंगे, अपलाइन ने दिया इधर से उधर फॉरवर्ड कर, भाई टीम सीख जाएगी तो काम हो जाएगा ना, अपना क्या है, हम तो कमा ही जाएंगे। तो कई लोग टीम को एक्सपर्ट करने में लगे रहते हैं, ये भी पोजर्स होते हैं। इसको मैं पोस्टमैन लीडरशिप बोलता हूँ, इधर का चिट्ठी उधर, उधर का चिट्ठी उधर, बस ये लीडरशिप है, ये भी एक तरह का पोस्टमैन लीडरशिप, करेंगे कुछ नहीं, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर। दूसरे जो लोग होते हैं ना एमेच्योर्स होते हैं, एमेच्योर्स मतलब इमेच्योर्स भी बोल सकते हैं। राकेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, एमेच्योर्स को क्या बोलेंगे सही हिंदी में, प्रॉपर वर्ड यूज किया सर, इमेच्योर ही बोलते हैं, इमेच्योर ही हो गए, इमेच्योर मतलब वो मेच्योर नहीं है। तो ये वाले फिर इस पोजर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एमेच्योर्स भी आपको मिलेंगे अच्छी संख्या में, ठीक है। अब ये जो एमेच्योर्स होते हैं इनका ना फोकस एक्सपर्ट बनने पे, प्रोफेशनल बनने पे नहीं रहेगा, इनका ध्यान कहीं और होता है। वो कहाँ होता है थोड़ा सा बता रहा हूं। पहला तो इनका ध्यान रहेगा कि कोई बड़ा लीडर को ज्वाइन कराना है, ठीक है, मतलब मेरे से बहुत बड़ा लीडर कोई, अगर मान लो कोई कंपनी में क्राउन है, ज्वेल है, बहुत ऊपर लेवल पे है, उसको पकड़ ले। मतलब ये देखा जाए तो ऐसा ही है ना कि हम शादी जिसकी हो गई उसी पे लाइन मार रहे हैं, भाई उसकी शादी हो गई है, बच्चे बहुत सारे हैं उसके, और हम उस पे लाइन क्यों मार रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको पकड़ें, ज्यादा इजी रहेगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो 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 किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे है, जैसे आज की डेट में मेरे को कोई अप्रोच करे नेटवर्कर, तो उसकी बेवकूफी है कि नहीं सर, टाइम वेस्टेज है कि नहीं उसका, तो इनको लगता है कि कोई मॉन्स्टर बड़ा लीडर मेरे साथ आ जाए। अभी भी सुदेश सर को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, समझ लो कितने इमेच्योर लोग हैं कि सर वो तो ठीक है पानी का मशीन है, लेकिन ये साबुन तेल कहाँ से लगाओगे, वो बोलते हैं वो मेरी बीवी खरीद लेती, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आदमी सर 10 कंपनियां नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम की, और उसके पास सीखने और सिखाने के बाद कोई वक्त बचता ही नहीं, और वैसे भी आप 10 जगह काम करेंगे ना तो जस्टिफाई नहीं कर पाते आप टीम के साथ, ठीक है, और वो गलत मैसेज भी जाता है टीम को कि इट मींस कि आप कहीं ना कहीं पूरे सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो दूसरा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। अगर इनेडिक से ही बहुत बड़ा पैसा आ रहा है तो हम क्यों दवाइयां बेचने में भी लग जाए, भाई दवाई लेना होगा मैं भी लेता हूँ, एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, मेरा कोड भी नहीं है, मैं ले लूंगा राकेश सर से, मैं मनोज जी से ले लूंगा, बहुत सारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेरी टीम में, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ नो डाउट, लेकिन काम तो एक ही जगह होगा ना भाई, ऐसा थोड़े कि एक ही साथ हम बीजेपी में भी रहेंगे कांग्रेस में भी रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक इधर कांग्रेस की रैली हुई तो उसमें भी पूरी सब्जी खाने जाएंगे, और उधर बीजेपी की हुई तो उसमें भी पूरी सब्जी खाने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो टिकट में नाम कहीं नहीं होगा, जहां जब एक्चुअली जरूरत होगी तो फिर वो किधर भी कोई पूछेगा ही नहीं।
थोड़ा सा और एमेच्योर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम लोग प्रोफेशनल्स पे बात करेंगे, ठीक है। एमेच्योर्स जो होते हैं ना, ये कोई ना कोई बड़ा चौका छक्का लग जाए बस इसी चक्कर में रहते हैं। ये चाहते हैं ना कि एक बार में वेल मछली को पकड़ लिया जाए, कि छोटा छोटा रेहू पोठिया ये सब पकड़ने से क्या हो, छोटी मछली नहीं पकड़ना चाहते हैं। और इसको बोलते हैं वेल हंटिंग, कि बड़ी मछली के शिकार करने में लगे रहते हैं, और बड़ी मछली तो आती नहीं है इनके हाथ में, और छोटी भी सब छूट जाती, ठीक है। दूसरा इनका क्या लगता है मैच्योर को, कि ये लोग हमेशा टाइमिंग की बात करें, कि राइट टाइमिंग है कि नहीं इन्हें एग्जिट करने, कहीं देर तो नहीं हो गया। जबकि ये फैक्ट है सर कि आज भी कोई दूसरी कंपनी जो 50 साल से चल रही है वहां आज जुड़ेगा और आज वो डायमंड जाएगा, जाने वाला, अगर वो एक्सपर्ट बनने पे ध्यान लगाएगा। और आज से 20 साल पहले भी जो लोग जुड़े वो सिल्वर तक नहीं गए, कमी उनके अंदर थी। आज भी जुड़ के डायमंड जाएगा, आज भी जुड़ के वो 10 लाख 20 लाख कमाएगा अगर एक्सपर्ट बनता है। तो ये एमेच्योर्स लोगों को लगता है ना कि ये टाइमिंग का खेल है, शुरू में कोई कंपनी आई जुड़ जाओ और इसी चक्कर में उनका बार बार एक्सीडेंट होता है, क्योंकि नई कंपनियां इमेच्योर होती हैं और उनके बंद होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इंडिया में भी आप कुछ नेटवर्क से बात करोगे ना तो बोले नहीं सर अब तो लेट हो गया, अब क्या, शुरू में बताया था लेकिन उनको नहीं समझ में आया, अब समझ में भी आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, अब नहीं। तो वो एमेच्योर्स हैं, ठीक है, एमेच्योर्स हैं वो। दूसरा, उनको लगता है कि मैं सही टीम में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, उनको लगता है कि सही टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट बनने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बनना है ना सर, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए ना, कि अपने ऊपर देखते रहेंगे कि मैं सही प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, सही लाइन में हुआ कि नहीं, कौन सी लाइन में जोड़ दिया, किसके नीचे जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है। मेरी टीम में कुछ एमेच्योर्स हैं पटना में, जिनको शुरुआत में मैंने किसी के नीचे डाला, आज वो मेरे को गाली देते हैं कि उसके नीचे क्यों डाल दिया आपने। मैंने कहा था जहां से आप स्टार्ट हो वहां से आपका बिजनेस है। तो ये एमेच्योर की निशानी है कि वो देखता है कि मैं किसके नीचे हूं। और सर आज मेरी कामयाबी में अच्छी बात है, बहुत सारे रेस्पेक्ट्स के साथ मैं रिगार्ड करता हूं अपने सारे अप्लायंस को, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाऊ। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि जो लोग इंडिपेंडेंटली बढ़ेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जब आप इंडिपेंडेंटली काम करना है तो किसके नीचे, इससे क्या फल पड़ता। जिग जिगलर ने कहा था कि इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट वॉट दे वॉन्ट, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। तो हम हेल्प करेंगे सर लोगों की तब मिलेगा ना, कि कोई मेरा हेल्प करेगा तब मिलेगा, नहीं, हम लोगों की मदद करेंगे कामयाब होने में तो हमें मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट्स पे कभी भी ध्यान एमेच्योर्स का होता, एक्सपर्ट्स का नहीं होता। एक्सपर्ट तो जहां जुड़ गया बस काम खत्म। वो इसके बाद ना नए नए टेक्निक्स अपनाते रहते हैं। इस बिजनेस में कहा जाता है कि नेवर ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। नया पहिया बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है उसको चलाओ, जो सक्सेसफुल है उसको कॉपी करो। ये कॉपीकैट मार्केटिंग है। लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो चुके हैं, उन्होंने जो किया है हमको वो करना है। अगर आप नए नए आइडियाज घुसाएंगे ना तो आपको बहुत सारे नुकसान और तकलीफ होने वाली है, ठीक है। तो नए नए आइडियाज जल्दी बिना अप्लाई से, बिना स्पॉन्सर से, बिना सक्सेसफुल लोगों से पूछे हुए अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये एमेच्योर्स गलती करते हैं और हमेशा वो शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। एमेच्योर्स की ये भी एक निशानी है कि वो हमेशा हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने में लगा रहता है। एक्साइटेड दिखेगा आपको एमेच्योर, पैशनेट दिखेगा आपको एमेच्योर, बट स्किल्स सीखने में, ठीक है। तो ये टाइमिंग, पोजिशनिंग, लक, ये सब पे न्यू आइडियाज लगाना, ये एमेच्योर्स का काम होता है। कल मैं बात करूंगा आप लोगों से कि एक्सपर्ट कौन होता है और हमें लाना किसको है। नहीं सर, एक्सपर्ट जल्दी नहीं आता है,
वो तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन है, शादी वादी होगी, बच्चे भी हो गए हैं उसके, बच्चे के एक्सपर्ट बनना है सर, एक्सपर्ट बनना है, पोजर्स और एमेच्योर्स को लाके उनको राइट ट्रेनिंग, राइट माहौल देके उनको एक्सपर्ट्स में कन्वर्ट करना है। सर अभी तीन रह गए ना, अभी आज हमारा जो टॉपिक में था, अभी थ्री टाइप ऑफ पीपल जिसमें से हमने पोजर कवर किया, अभी दो और बचे हैं। एमेच्योर्स बताया ना, पोजर हो गए, अमेच्योर हो गए, और तीसरा, तीसरा एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो सबको प्रोफेशनल बनना है, सबको एक्सपर्ट बनना है, आप सब लोग बनना चाहते हैं। और आज ये जो कंटेंट था, अगर आपको अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिएगा, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ अंदर से, ऊपर से चाहे बाल उड़ गया हूँ। दोबारा आएंगे सर, दोबारा आएंगे, सुबह की फिटनेस स्टार्ट है। तो एक्सपर्ट बनने की इस जर्नी में थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कोई पोंजी स्कीम में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक प्रोडक्ट बेस अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, काम करते रहिए, किसी से कोई गलत एक्सपेक्टेशन या कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और आप क्या दे सकते हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। सभी लोग अपने अपने इलाके में एक ऑफिस खोलिए, पानी शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, ऑफिस में बैठा के डेमो दीजिए, पानी शेयर कीजिए, यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है, बहुत आसान बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, और आज एक सेल कन्वर्ट करिए। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद।